खाद्य तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। बीते 4-5 माह के दौरान खाद्य तेल में गिरावट से अन्य सामग्रियों की कीमतों में कमी से महंगाई से जो राहत मिली थी वो अब एक बार फिर से दूर होती दिखाई दी है। सप्ताह भर में ही सरसों का तेल, रिफाइंड आदि के दाम फुटकर में 10 रुपए तक बढ़ गए हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी दाम और बढ़ सकते हैं। पिछले सप्ताह थोक बाजार में 15 लीटर रिफाइंड तेल की कीमत 1950 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2125 तक पहुंच गई है। इसी तरह 15 किलो पामोलिन ऑयल का दाम 1580 से बढ़कर 1780 हो गया है। सरसों के तेल की बात करें तो थोक बाजार में 15 किलो सरसों का तेल 2300 से बढ़कर 2400 रुपए जा पहुँचा है। पर्व के पहले एकाएक खाद्य तेल के दामों में आई तेजी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बाजार में वनस्पति घी का रेट भी 1530 से बढ़कर 1630 रुपए में 15 किलो हो गया है। होली से नवरात्रि के बीच प्रयागराज में भी फुटकर बाजार में सरसों के तेल के दाम में जो 30 से 35 रुपए प्रति लीटर घट गए थे वो अब एक बार फिर से 35 से 40 रुपए की तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाद्य तेल की बड़ी कीमतों को लेकर आगे व्यापार मंडल का ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आवक के आधार पर मूल्य उसी के अनुसार तय होगा। सरकार ने महंगाई को काबू में करने के लिए पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पर लगने वाले सीमा शुल्क में कटौती शून्य कर दी है और इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को सस्ते खाद्य तेल के रूप में मिल रहा था। इससे खाद्य तेल की कीमतों में कमी भी आई थी, लेकिन बीते कुछ वर्ष से रिफाइंड खाद्य तेल आदि में कुछ नामी कंपनियों का वर्चस्व हो गया है। कंपनियों द्वारा दाम बढ़ाने और त्योहारी सीजन में मांग अधिक होने और आवक कम हो जाने से कीमतों में बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। बीते कुछ महीने में 150 रुपए लीटर में मिल रहे रिफाइंड का दाम 160 रुपए तक एक बार फिर जा पहुंचा है। सरसों के तेल की कीमत भी 155 से बढ़कर 160-165 रुपए प्रति किलो हो गई है। वहीं फुटकर कारोबारियों का कहना है कि थोक में दाम बढ़ने की वजह से ही फुटकर में दाम बढ़ा है। कहा गया है कि पाम ऑयल 120 से 125 रुपए लीटर का भाव था, जो अब पाम ऑयल भी 130 से 145 रुपए लीटर पर जा पहुंचा है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि त्योहारी सीजन के चलते मांग बढ़ने की वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।